प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 5 में वर्णित कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है संध्या के बाद, का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि सुमित्रा नंदन पंत का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। वीडियो भाग 2 में हमने कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना संध्या के बाद का प्रथम अंश पढ़ा है। आइए आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है संध्या के बाद, का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ें। संध्या के बाद शीर्षक कविता छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्या नामक कृति से ली गई है। ग्राम्या का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक यथार्थ से जुड़ता है। ग्रामीण जनजीवन के सामाजिक यथार्थ का चित्रण कवि द्वारा इसमें किया गया है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें वृद्धाएं, विधवाएं, खेत से घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। तो आइए पढ़ते हैं अब हम इस कविता का, जिसका शीर्षक है संध्या के बाद, का आगामी एवं अंतिम अंश। इस पद्यांश का सबसे पहले हम वाचन करते हैं। कंप कंप उठते लोके संग कातर उर क्रंदन, मूक निराशा क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यो गोपन, मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। आइए इन पंक्तियों में आया हुआ संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, जिसे उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति ग्राम्या से लिया गया है और इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी के मन की व्यथा बताते हुए गांव में व्याप्त गरीबी आदि का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। आइए अब हम इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। कंप कंप उठते लोके संग कातर उर क्रंदन, मूक निराशा क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यो गोपन, मन को दे दी हो भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कंप 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 एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यो गोपन, मन को दे दी हो भाषा, इसमें जो शब्द के आने से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य निहित है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द जान लेते हैं। कातर, कातर से आशय है दुखी व उदास, कातर होना, दुखी व उदास होना। उर से आशय है हृदय, उर से आशय है हृदय। क्रंदन, क्रंदन करना, रुदन करना, क्रंदन करना, रुदन करना। मूक से आशय है चुप, मूक चुप गूंगा। निराशा, निराशा का भाव। क्षीण से आशय है बहुत ही कमजोर, क्षीण कमजोर। ज्योति ने चुपके जो गोपन से आशय है छिपी हुई, गुप्त गोपनीय, गोपन छिपी हुई होना। कंप कंप उठते लोके संग कातर उर क्रंदन, मूक निराशा क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यो गोपन, मन को दे दी हो भाषा। इन पंक्तियों के माध्यम से सांध्यकालीन ग्रामीण वातावरण का चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि कंप कंप उठते लोके संग गांव में अंधकार को दूर करने के लिए जो टिनकी डिबरी वाला दीपक जलाया है, वह टिनकी डिबरी वाला दीपक कंप कपा, उसकी लो कंप कपा रही है। उठते लोके संग वह हिलती डुलती सी, कंप कपाती हुई सी दिखाई पड़ रही है। कातर उर क्रंदन, मूक निराशा, और उसी के साथ में जो व्यापारी है उसके हृदय का भाव, उसके हृदय के अंदर दुख का भाव है। वह कातर दुखी और उदास भाव से अपने हृदय की इस वेदना को वह प्रकट करता है। मूक निराशा, निराशा का भाव भी उसके मन में भरा हुआ है। क्षीण ज्योति ने चुपके जो, जिस प्रकार से उस छोटे से दीपक की क्षीण सी
ज्योति, कमजोर सी ज्योति ने जिस प्रकार से गोपन मन को दे दी हो भाषा, उसके मन को एक विशेष प्रकार की भाषा से भर दिया है। थोड़ी बहुत आशा का संचार उस दीपक के टिमटिमाते हुए प्रकाश ने उसके मन में किया है। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि संध्या के समय ज्यो ज्यो डिबरी के दीपक की लो हवा से कांपती है, जैसे जैसे छोटे से नन्हे से दीपक की वह ऊपर वाली लो हवा के आने से, हवा के प्रभाव से कांपती सी है, उसके मन में छिपे मौन रोदन और पीड़ा बाहर आ जाते हैं। गरीबी के कारण उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है, उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, मूक निराशा उनके अंदर, उनके हृदयों में निराशा का भाव व्याप्त है, परंतु इसे वे प्रकट न कर चुप ही रहते हैं। क्षीण ज्योति ने चुप के जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, इस समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है, क्षीण ज्योति हल्का सा प्रकाश हो रहा है, वही मानो उनके मन में छिपी हुई निराशा व्यवस्था की भावना को प्रकट करता हुआ सा प्रतीत होता है। जो हल्का सा प्रकाश है, इसी प्रकार ऐसे लगता है कि उनका हृदय निराशा से भरा हुआ है और उनके हृदय में आशा का बहुत छोटा सा, बहुत क्षीण सा ही प्रकाश रूपी भाव व्याप्त है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपने सुध, भूल गया सब ब्याज मूलधन। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। लीन, लीन होने से है मिल जाना, डूब जाना, लीन हो जाना, डूब जाना। खपरे, खपरे से आशय है मिट्टी के खपरों की छावन, कच्चे घरों पर मिट्टी के खपरों की छावन की जाती है, उसे खपरा कहा जाता है। भूल गए लाला, लाला से आशय है व्यापारी, जो दुकानदार, दुकानदारी का काम करता है, ग्रामीण क्षेत्र का दुकानदार, ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारी। लाला अपनी सुधि, सुधि से आशय है सुदबुद्ध यानी होश, सुदबुद्ध होश। भूल गया सब ब्याज मूलधन, मूलधन जो जो धन दिया जाता है ब्याज पर उधार, वह मूल राशि मूलधन कहलाती है, और उस मूलधन पर जो ब्याज लिया जाता है, जो राशि ली जाती है, वह ब्याज कहलाती है। लीन हो गई क्षण में भस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि संध्या काल के बाद में जैसे जैसे अंधकार का साम्राज्य बढ़ता जाता है, इस गहन अंधकार में लीन हो गई क्षण में बस्ती, वह सारी की सारी बस्ती जिसमें मिट्टी खपरों के घर आंगन, जिसमें अधिकांश घर मिट्टी के खपरों की छावन वाले बने हुए थे, यानी अधिकांश घर कच्चे ही मकान थे, कच्चे ही घर आंगन थे, वे सब के सब अंधकार में डूबने लगे हैं। भूल गए लाला अपनी सुधी, और इस प्रकार संध्या काल के पश्चात लाला जो अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ है, वह भी अपनी सुधिबुद्धि भूल गया, अपना होश आवास भूल गया, और वह ब्याज और मूलधन का हिसाब लगाना भी भूल गया, क्योंकि उसकी स्थिति भी बहुत दयनीय होती जा रही है, उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब होती हुई जा रही है। इस प्रकार अपनी खराब होती हुई आर्थिक और दयनीय स्थिति के कारण वह बहुत अधिक दुख से पीड़ित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि लीन हो गई क्षण में बस्ती, थोड़ी देर बाद ही सारा गांव अंधकार में डूब जाता है, उनके मिट्टी के खपरों की छावन वाले कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, उनके मिट्टी के खपरों की छावन वाले कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। भूल गए लाला अपनी सुधी, और इस निराशा भरे वातावरण में गांव का लाला यानी छोटा सा दुकानदार भी अपनी सुधबुद्ध तक भूल जाता है। लाला गांव का छोटा सा दुकानदार भी अपनी सुधी, अपनी सुधबुद्ध भूल जाता है। भूल गया सब ब्याज मूलधन, वह मूलधन वह ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। आइए इन पंक्तियों में आया हुआ विशेष देख लेते हैं। गांव की गरीबी का यथार्थ परक एवं संवेदनामय चित्रण किया गया है, सुंदर बिंब विधान प्रयुक्त हुआ है, कंप कंप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उस शब्द का अर्थ नहीं बदले, इस प्रकार हम इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य देखते हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा, इसमें ज्यों
का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य निहित है। शब्दावली तत्सम प्रदान है एवं भावों के अनुकूल प्रयोग की गई है। इसमें प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रदान खड़ी बोली का भावानुकूल प्रयोग इसमें किया गया है। आइए अगला पद्यांश का वाचन करते हैं। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव ओ असफल जीवन का उत्पीड़न। आइए इसका वाचन करने के पश्चात इसका संदर्भ और इसका प्रसंग जान लेते हैं। यह पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, जो उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग एक में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। और इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि ने ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यापारी के व्याकुल मन और उसकी भावनाओं का, उसकी निराशापूर्ण स्थिति का चित्रण किया है। आइए अब हम इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तुच्छतर, तुच्छतर से आशय है छोटी से छोटी, तुच्छतर यानी तुच्छ से तुच्छ, छोटी से छोटी होना। नीरव, नीरव से आशय है शांत, नीरव चुप शांत। प्रदोष, प्रदोष से आशय है संध्या एवं रात्रि का मिलन का समय, सायंकाल का समय प्रदोष काल कहलाता है, जब दिन समाप्त होता है रात्रि का प्रहर प्रारंभ होता है। इस प्रकार दिन और संध्या और रात्रि का जो मिलन का समय है वह प्रदोष काल कहलाता है। आकुल, आकुल से आशय है बेचैन। अंतर, अंतर से आशय है हृदय, अंतर हृदय। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह जो किराने का व्यापारी है, जो परचून का व्यापारी है, जो परचून का खाद्य सामग्री इत्यादि को बेचता है, आटा दाल और खाद्य सामग्री इत्यादि की सामग्री को वह बेचता है अपनी दुकान के माध्यम से, वह जो किराने का व्यापारी है उसकी अपनी दुकान में भी सकुची सी परचून किराने की ढेरी, किराने के सामानों की ढेरी बहुत छोटी से छोटी होती चली जा रही है। यानी उसकी दुकान में भी अब किराने और परचूनी का सामान बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। लग रही ही तुच्छतर वह छोटी से छोटी होती जा रही है, इस नीरव प्रदोष में आकुल। और संध्या काल के इस समय में, जब प्रदोष काल है, जब संध्या काल का समय है, इसमें इस शांत संध्या काल के समय में उसका आकुल बहुत व्याकुलता के साथ में उसका हृदय छटपटा रहा है, उमड़ अंतर जग बाहर। उसके हृदय के अंदर दुख और पीड़ा का भाव उमड़ घुमड़ रहा है और वह इस अपने हृदय के पीड़ा के भाव को बाहर व्यक्त करना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव के छोटे छोटे व्यापारियों की परचून की दुकान बहुत छोटी छोटी सी लगती है, क्योंकि उसमें सामान भी अब बहुत कम मात्रा में रह गया है। परचून की ढेरी छोटी से छोटी होती चली जा रही है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, लग रही ही तुच्छतर यानी वह किराने और परचून के सामान की ढेरी छोटी से छोटी होती चली जा रही है। प्रदोष काल यानी संध्या और रात्रि के मिलन समय के इस शांत वातावरण में दुकानदार का हृदय बेचैन है, उमड़ रहा अंतर जग बाहर। उसका हृदय बहुत ही बेचैनी और दुख के भाव से भरा हुआ है, वह उसके हृदय का दुख उमड़ कर बाहर निकल रहा है। संसार के अन्य सभी लोग भी दुखी हैं। और इस प्रकार से इस में कवि ने उस व्यापारी के हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव ओ असफल जीवन का उत्पीड़न।
इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है, जाग उठा उसमें मानव, जाग उठा उसमें मानव से आशय है, लाला यानी व्यापारी के मन में मनुष्यता ने जन्म ले लिया, मनुष्यता के भाव ने जन्म ले लिया। मनुष्यता का भाव है मानवता की सेवा करने वाला भाव, सबके साथ में सहृदयता और प्रेम पूर्वक आचरण करने का भाव। इस प्रकार जाग उठा उसमें मानव, उत्पीड़न, उत्पीड़न से आशय है दुख कष्ट, अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन। कवि पंत इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि उस ग्रामीण क्षेत्र के छोटे से दुकानदार को अपनी हस्ती बहुत छोटी नजर आती है, अपनी हैसियत बहुत छोटी सी नजर आती है। छोटी सी दुकान में बहुत कम परचून के सामान को बेचता हुआ वह व्यापारी अपनी हस्ती को बहुत छोटा महसूस करता है। जाग उठा उसमें मानव, कवि कहते हैं कि उसके अंदर भी मानवीय भावनाएं अब जाग रही है, अब उसमें भी मनुष्यता का भाव जाग रहा है। ओ असफल जीवन का उत्पीड़न, और वह इस बात का विचार कर रहा है वह व्यापारी कि एक असफल और उत्पीड़न से भरे हुए जीवन में किस प्रकार का अनुभव होता है। इस प्रकार का अनुभव वह व्यापारी भी अपने हृदय में अनुभव कर रहा है। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदार के मन में हीन भावना पैदा हो रही है, क्योंकि अपनी छोटी हैसियत का विचार करके वह निराश सा हो जाता है, निराशा के भाव से भर जाता है। जैसे ही वह सोचता है कि उसकी दुकान छोटी है, उसके दुकान में परचूने का सामान बहुत कम है, इस प्रकार से वह अपनी छोटी हैसियत का विचार करके निराशा के भाव से भर जाता है। कवि पंत व्यापारी के मन में मानवता के भाव जागृत होते हुए देखता है। आज व्यापारी को पता चल रहा है कि एक असफल व्यक्ति का जीवन कितना दुख से भरा और कष्टदायक होता है। व्यापारी भी अपने जीवन में एक असफल व्यक्ति के रूप में ही है, और अब वह सोच पा रहा है, उसके हृदय में मानवता के भाव जाग रहे हैं, और अब वह सोच रहा है कि किस प्रकार से एक असफल व्यक्ति का जीवन कितना दुख से भरा होता है और कितना कष्टदायक होता है। आइए अब हम इस पद्यांश का विशेष देख लेते हैं। गांवों के व्यापारियों की मनोदशा का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। बिंब प्रधान अतीव मार्मिक है, प्रसाद गुण है, सकुची सी में उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। ओ असफल, इसमें अवर्ण इस प्रकार से वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। शब्दावली सरस है, भावों के अनुकूल है और तत्संप्रधान है। आइए अगला पद्यांश का वाचन करते हैं। दैन्य दुख अपमान ग्लानी, चिर शुदित पिपासा, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कोड़ी की स्पर्धा में मरमर। इस पद्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। इस पद्यांश की रचना छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने की है। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध काव्यकृति जिसका नाम है ग्राम्या, इससे इसको उद्धृत किया गया है, और इसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग एक में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इस पद्यांश में इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें गांव में छोटी सी दुकानदारी करने वाले दुकानदार की मानसिकता का वर्णन है। गरीबी की मार के कारण अब वह टूट सा चुका है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए आइए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। दैन्य दुख अपमान ग्लानी, चिर शुदित पिपासा, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। दैन्य से आशय है दीनता के भाव के साथ में, दैन्य दीनता का भाव। दुख अपमान ग्लानी, ग्लानी से आशय है अपने ऊपर घृणा का भाव होना, ग्लानी होना, पश्चाताप होना, घृणा का भाव से भर जाना। चिर शुदित, शुदित से आशय है भूखा, पिपासा, पिपासा से आशय है प्यासा, प्यास, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति, क्लांति से आशय है दुख व्यथा, उसके जीवन की परिभाषा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि दैन्य दुख अपमान ग्लानी, चिर शुदित पिपासा, मृत अभिलाषा, उस ग्रामीण क्षेत्र के उस छोटे से दुकान में दुकानदारी करने वाले उस व्यापारी की दैन्य दुख अपमान और ग्लानी की स्थिति से वह बहुत अधिक दुखी है।
वह बहुत अधिक दीनता का भाव महसूस कर रहा है, दुख का भाव महसूस कर रहा है। दीनता और दुख के भाव से भरकर वह अपमान और ग्लानी से भरा जा रहा है। चिरशुदित पिपासा और उसे बहुत लंबे समय से भूख प्यास का बहुत भारी अनुभव होता जा रहा है। उसकी सभी अभिलाषाएं लगता है कि मर गई है, बिना आय की क्लांति बन रही, क्योंकि अब उसकी आमदनी, उसकी आय ज्यादा नहीं हो पा रही है कि जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक प्रकार से कर सके। उसकी आय उस दुकानदारी के माध्यम से नहीं हो पा रही है और उसके जीवन की परिभाषा बन गई है कि उसके जीवन में आय कम हो रही है। इस प्रकार कम आमदनी के कारण उसके जीवन में बहुत सारे दुखों का सामना उसको करना पड़ रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का किराना और परचून का छोटा व्यापारी अपने जीवन की दीनता, दुख, दीनता और गरीबी से बहुत अधिक दुखी है और अपने आप को अपमानित सा महसूस कर रहा है। अपमान ग्लानी से वह भरा हुआ है। दीनता और दुख महसूस करता हुआ वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, ग्लानी से भरा हुआ है। वह भूख और प्यास से दुखी है। चिरशुदित पिपासा वह भूख से और प्यास से दुखी है। उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं मर गई है, मृत अभिलाषा। उसके जीवन की सभी अभिलाषाएं, सभी इच्छाएं, सभी आकांक्षाएं मर गई है, क्योंकि उसके पास में आमदनी का जरिया बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी आमदनी उसकी नहीं है और वह इस कारण से अपने जीवन में दुख उठा रहा है। उसकी आमदनी बहुत कम है जिससे उसका जीवन दुख की परिभाषा बनकर रह गया है। बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा इस प्रकार से बन गई है क्योंकि उसके जीवन में तो अब आय आमदनी का बहुत अधिक मात्रा में उसके जीवन में आमदनी का आना नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से उसके जीवन में आय नहीं हो पा रही है, आमदनी नहीं हो पा रही है और उसके जीवन की परिभाषा अब इस प्रकार की बन गई है। उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं मर गई है, उसकी आमदनी बहुत कम है जिससे उसका जीवन दुख की परिभाषा बनकर ही रह गया है। दैन्य दुख, अपमान, ग्लानी, चिरशुदित पिपासा, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता, कोड़ी की स्पर्धा में मर मर। आइए सबसे पहले इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जड़ से आशय होता है बेजान, जड़वत हो जाना, बिना जान का निर्जीव सा हो जाना। अनाज की ढेरी सदृश कोड़ी से आशय है मुद्रा के स्थान पर काम आने वाली एक वस्तु। पहले पुराने समय में मुद्रा के स्थान पर, धन के स्थान पर कोड़ी का प्रयोग किया जाता था, यानी छोटा सा एक सिक्का। जड़ अनाज की ढेर सदृश ही वह व्यापारी अपनी दुकान में, अपनी छोटी सी दुकान में, वह जिस प्रकार से जड़वत अनाज की ढेरी होती है, अनाज की जो जड़वत ढेरी है उसके सदृश, उसके समान ही वह अपनी दुकान में, अपनी गद्दी पर, वह दिन भर बैठा गद्दी पर, अपनी दुकान में अपनी गद्दी पर बैठा रहता है। वह छोटा सा व्यापारी अपने दुकान में अपनी गद्दी पर बैठा रहता है। जड़ अनाज के ढेर सदृश, जिस प्रकार से अनाज की कोई निर्जीव सी ढेरी पड़ी हुई है, ढेरी रखी हुई है, उसी प्रकार से वह भी व्यापारी अपनी गद्दी पर बैठा रहता है। बात बात पर झूठ बोलता, कोड़ी की स्पर्धा में मरमर। कोड़ी की स्पर्धा से आशय है कि धन कमाने की होड़ में, धन कमाने की स्पर्धा में वह मरासा जा रहा है और बात बात पर झूठ बोलता है। वह झूठ बोल बोल कर भी धन अर्जित नहीं कर पा रहा है। धन अर्जित करने के लिए वह झूठ बोल रहा है और लगातार वह धन अर्जन के लिए कोड़ी की स्पर्धा में जुटा हुआ है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत कहते हैं कि गांव का दुकानदार अनाज की निर्जीव सी ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। उसकी बिक्री बहुत कम है, इस कारण से वह पैसा कमाने की स्पर्धा होड़ में बात बात पर झूठ बोलता है, फिर भी अपनी निर्धनता दूर नहीं कर पाता।
आइए इसका विशेष देख लेते हैं, ग्रामीण परिवेश और वहां के छोटे दुकानदार की दशा का स्वाभाविक वर्णन इसमें हुआ है। बात बात में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। एक ही शब्द की जब बार बार आवृत्ति हो और शब्द का अर्थ नहीं बदले, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित होता है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही में उपमा अलंकार का सौंदर्य निहित है। बिंब प्रधान प्रशंसनीय बन पड़ा है। शब्दावली तत्सम प्रधान है और भावों के अनुकूल है, इसमें प्रसाद गुण है। आइए अगला पद्यांश का वाचन करते हैं। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुधर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। आइए अब इस पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंद की प्रसिद्ध रचना ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग एक में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इस काव्यांश में काव्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि ने दयनीय स्थिति के कारण परिवार के भरण पोषण की चिंता में डूबे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी का चित्रण किया है। आइए अब हम इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। सुघर, सुघर से आशय है सुघड़ होना, स्वस्थ होना। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, वह ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारी अपनी दुकान में बैठा बैठा इस बात का विचार करता है कि उसकी आमदनी बहुत कम है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है और वह अपनी आमदनी से अपने परिवार का अपने कुटुंब का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन और उसके सब परिवार के लोग स्वच्छ अच्छे स्वास्थ्य के साथ और अच्छे प्रकार से नहीं रह पाते। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह अपने परिवार को वह सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। बना पा रहा वह पक्का घर, वह व्यापारी इस बात को भी सोचता है कि वह व्यापार का काम करता है, व्यापारी होने के बावजूद भी वह अपने लिए रहने के लिए एक पक्का घर भी नहीं बना पा रहा है। मन में सुख है, साथ ही साथ वो यह भी सोचता है कि क्या उसके मन में सुख है, क्या वह अपनी इस स्थिति से संतुष्ट है और संतोष के भाव के साथ क्या उसके मन में सुख का भाव भी है। जुटता है धन, व्यापारी यह भी सोचता है कि उसकी दुकानदारी के द्वारा की गई आमदनी के माध्यम से क्या वह इतना धन कमा लेता है कि कुछ धन एकत्र भी कर सके। इस प्रकार से व्यापारी इन सभी बातों को अपने मन में अपने हृदय में विचार करता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, कवि कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश में छोटी सी दुकानदारी के लिए सारे प्रयास करने पर भी व्यापारी के परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इस दुकान की आमदनी से उसके परिवारजनों को सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। भोजन के अभाव में परिवार के लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। वह सोचता है कि व्यापारी होकर भी वह अपने लिए एक पक्का घर नहीं बना पा रहा। बना पा रहा वह पक्का घर, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें प्रश्न अलंकार का सौंदर्य निहित है। व्यापारी ये प्रश्न पूछता है कि वह व्यापारी होकर भी अपने लिए अपने रहने के लिए एक अच्छा सा पक्का मकान नहीं बना पा रहा है। उसके मन में न तो कोई सुख है और न ही वह कमाकर धन एकत्र कर पाता है। मन में सुख है, यहाँ पर भी प्रश्न अलंकार है कि उसके मन में सुख का भाव है अथवा नहीं है, इस बात का आकलन भी व्यापारी कर रहा है। जुटता है धन और वह अपनी इस व्यापार के कार्य के अंतर्गत धन को जुटाकर एकत्र कर भी पाता है अथवा नहीं कर पाता है। उसके मन में न तो कोई सुख है और न ही वह कमाकर धन एकत्र कर पाता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। इन पंक्तियों के माध्यम से बस्ती का बनिया
अपना स्वयं का व्यवस्था का कारण पर विचार कर रहा है कि उसके जीवन की इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्यों है, इसकी इसका मूल कारण क्या है। कथड़ी, कथड़ी से आशय है चित्रों से बनी हुई गुदड़ी। निज, निज से आशय है अपना, निज कारण अपना स्वयं का। खिसक गई कंधों से कथड़ी, वह जो पुराने कपड़ों से सिली हुई गुदड़ी थी, कथड़ी थी, उसको उसने अपने कंधे पर डाल रखा था क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी उसके तन को कंपायमान कर रही है। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, अब उस व्यापारी का शरीर सर्दी से ठिठुर रहा है। सोच रहा बस्ती का बनिया, और वह बस्ती का व्यापारी अपनी छोटी सी दुकान में बैठा हुआ उस संध्या काल के पश्चात यह विचार कर रहा है कि उसकी व्यवस्था का कारण क्या है, उसकी व्यवस्था के मूल में क्या वजह है। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए खिसक गई कंधों से कथड़ी, व्यापारी अपने कंधों पर फटे कपड़ों की बनी हुई गुदड़ी डाले हुए है और उसका शरीर सर्दी के कारण कांप रहा है क्योंकि वह यह सोचता है कि वह जीवन के हर क्षेत्र में विफल रहा है, हर क्षेत्र में विफल ही रहा है। इसी सोच में उसके कंधे पर रखी गुदड़ी खिसक जाती है। बस्ती का व्यापारी उसके जीवन की विवशताओं से भरे होने की वजह के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि उसके जीवन में इतनी सारी व्यवस्थाएं क्यों है। गांव का वह दुकानदार घोर व्यवस्था का जीवन जीने को मजबूर है। गांव के उस दुकानदार के पास में पर्याप्त दुकानदारी नहीं है, पर्याप्त परचूनी का सामान नहीं है, उस सामान को बेच करके उसकी पर्याप्त मात्रा में आय नहीं हो रही है और इस प्रकार से उसकी स्थिति बहुत अधिक व्यवस्था से भरी हुई है। वह व्यवस्था का जीवन जीने के लिए मजबूर है। आइए अब इसका विशेष देख लेते हैं। कवि ने प्रश्न शैली का प्रयोग कर कथ्य को प्रभावी बनाया है। भाषा सहज है और भाषा सरल प्रयोग की गई है। स्वच्छ सुघर सब में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, सवर्ण की आवृत्ति हुई है, सवर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य इसमें निहित है तथा सहेतु वाक्य विन्यास से काव्य लिंग अलंकार भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। आइए अगला पद्यांश का वाचन करते हैं। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन पा जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। इसका वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। इस पद्यांश को छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्या नामक कृति से लिया गया है जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग एक में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें गांव के बनिए की, गांव के उस दुकानदार की, गांव के व्यापारी की विवशता एवं अभिलाषा का वर्णन किया गया है। आइए इन पंक्तियों को पढ़कर इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जानने के पश्चात इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। महाजन, महाजन से आशय है सेठ, ब्याज पर उधार देने वाला व्यक्ति, व्यापारी, सेठ। साधन, साधन, सब साधन, साधन से आशय है उपाय। इसमें इन पंक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। साधन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसमें भी प्रश्नवाचक प्रश्न अलंकार का सौंदर्य निहित है। शहरी बनियों सा वह भी उठ, व्यापारी जो उस ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, वह अंधकार के समय, अंधकार के इस संध्या काल के समय इस बात का विचार कर रहा है कि उसका जीवन बहुत सारे दुखों से भरा हुआ है, उसकी आमदनी बहुत कम मात्रा में है, उसकी आमदनी में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो कि वह भी शहर के बनिए की तरह ही अधिक आमदनी वाला बन जाए। शहरी बनियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, और वह भी महाजन बन करके नकद पैसा उधार देना और सेठ के रूप में कार्य करना क्यों नहीं शुरू कर सकता है।
वह इस बात पर भी विचार करता है कि रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, कि किसने उसके जीवन की उन्नति के सब साधनों पर रोक लगा दी है, उसके जीवन की उन्नति के सब साधनों को किसने रोक लिया है। इस बात पर वह गांव का छोटा सा दुकानदार विचार कर रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से गांव का छोटा दुकानदार यह सोचता है कि वह शहरी बनियों अर्थात व्यापारियों के समान बड़ा क्यों नहीं बन पाता, उसे भी महाजन यानी सेठ बनने का पूरा अधिकार है, पर वह बड़ा नहीं बन पा रहा। ऐसा क्यों है? उसे यह बात समझ में नहीं आती कि उसकी तरक्की किसने रोक रखी है, उसके जीवन में उन्नति क्यों नहीं हो पाती। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सकल, सकल से आशय है सब, वितरण, वितरण से आशय है बंटवारा होना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि यह क्या संभव नहीं है कि व्यवस्था में जो संसार की व्यवस्था चल रही है इसमें परिवर्तन हो और जो आय और व्यय का जिस प्रकार का वितरण है वह भी नीतिगत व्यवस्था के तहत उपयुक्त हो, न्याय की व्यवस्था के तहत पर्याप्त और उपयुक्त स्थिति में होना चाहिए। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कर्म के और गुण के समान ही सकल आय और व्यय का वितरण होना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पंत कहते हैं कि क्या आज समाज की, संसार की जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्या इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात समाज की समस्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना ही चाहिए। इसमें परिवर्तन होने पर ही हमारे जीवन में सुधार आ सकता है, एक सुंदर और बहुत अच्छा समाज बन सकता है। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। कवि कहते हैं कि कर्म और गुण के आधार पर सभी की आमदनी और खर्चे का वितरण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जग की व्यवस्था में जो असमान वितरण है उसमें परिवर्तन करके सबको समानता प्रदान करना चाहता है। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण, और वह गुण और कर्म के आधार पर सब लोगों को आय और व्यय का वितरण करना चाहता है। विशेष देख लेते हैं इनका। कवि ने समाज व्यवस्था में परिवर्तन पर जोर दिया है। कवि चाहता है कि समाज की व्यवस्था में बदलाव आए, परिवर्तन आए, शोषण से मुक्ति मिले और चहुं ओर प्रगति और समृद्धि का उजियारा फैले। कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगत है। शब्दावली तत्सम प्रधान है और भावों के अनुकूल खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, प्रश्न शैली का प्रयोग भी हुआ है। आइए अगला पद्यांश का वाचन करें। घुसे घरों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। इस पद्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। घुसे घरों में मिट्टी के प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध काव्यकृति ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग एक में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इस पद्यांश में इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। इसमें कवि ने गांव की गरीबी का चित्रण किया है। घुसे घरों दो में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। घरों दो से आशय है कच्चे घर, घरों दो कच्चे घर। घुसे घरों दो में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, संध्या काल के पश्चात सब लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपने अपने घरों में घुस गए हैं।
संध्या काल के पश्चात अब रात का अंधियारा गहराता जा रहा है और सारे के सारे लोग अपने अपने घरौंदों में, अपने कच्चे मिट्टी से बने हुए घरौंदों में, अपने घरों में वे अब चले गए हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन? कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहता है कि क्या समाज में कोई इस प्रकार का परिवर्तन, बदलाव नहीं हो सकता जो सब में एक जीवन जीने का, बहुत अच्छे जीवन जीने का, सामूहिक रूप से जीवन जीने का किसी भी प्रकार से कोई मंत्र फूंक दें कि सब लोगों का जीवन ही बहुत श्रेष्ठ बन जाए, बहुत बेहतर बन जाए, समृद्धि से भरा हुआ बन जाए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव के लोग अपने अपने कच्चे घरों में घुसकर सभी अपने अपने बारों में, अपने अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन आए, अर्थात सब लोग एक समान सभी सुविधाओं का भोग करें, सभी सुविधाओं का भोग कर सकें, समाज के एक बेहतरीन समाज का निर्माण हो, सुख समृद्धि और आशाओं से भरे हुए समाज का निर्माण हो जिसमें सपने देखे जाएं, जिसमें सुख समृद्धि की बातें हो और चारों तरफ से शोषण विहीन समाज का, सुंदर समाज का निर्माण हो सके। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विमुक्त, विमुक्त से है मुक्त हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, छुटकारा पा लेना, मिलकर जन निर्माण करें जग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि हम सबको मिलकर के जन निर्माण से इस पूरे संसार को, इस समाज को बहुत ही सुंदरतम, समृद्धशाली बनाना है। मिलकर भोग करें जीवन का जिसमें सब लोगों के लिए समान सुविधाएं हो, समान संसाधन हो और सब लोग समान संसाधनों और सुविधाओं का सामूहिक रूप से भोग करें, जन विमुक्त हो जन शोषण से और प्रत्येक व्यक्ति जन शोषण से, शोषण की स्थिति से मुक्त हो जाए, और समाज अधिकारी धन का, समाज में धन के सभी लोग अधिकारी हों, समाज में सुविधाओं पर, संसाधनों पर सभी लोग समान अधिकार रखें, सबके पास में धन की पर्याप्त आपूर्ति हो, धन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि हो। इस प्रकार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि मिलकर जन निर्माण करें जग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग मिलकर एक नए संसार का निर्माण करें, एक स्वस्थ सुंदर संसार का निर्माण करें तथा जीवन के सभी सुखों का उपभोग भी सब मिलकर ही कर सके। मिलकर भोग करें जीवन का, सब लोग सुखों का भोग भी एक साथ मिलकर ही करें। जन विमुक्त हो जन शोषण से, लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना भी बहुत आवश्यक है। हो समाज अधिकारी धन का, धन पर भी सारे समाज का समान अधिकार होना ही चाहिए। यदि संसार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो सभी लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा, एक सुखी और समृद्ध वैभवशाली समाज का निर्माण हो सकेगा। मिलकर जन निर्माण करें जग, मिलकर भोग करें जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। आइए अब इसका विशेष देख लेते हैं। विशेष, ग्रामीण लोगों की इच्छाओं, व्यथाओं और विवशताओं के साथ उनकी सोच का चित्रण किया गया है। कवि की प्रगतिवादी विचारधारा की व्यंजना हुई है। कवि की प्रगतिवादी विचारधारा इन पंक्तियों के माध्यम से हम सबके समक्ष स्पष्ट हुई है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का सौंदर्य निहित है। शब्दावली तत्संप्रदान है और भावों के अनुकूल है। आइए अगले पद्यांश का वाचन करें। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की पर पाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। इस पद्यांश का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध काव्यकृति ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग एक में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है।
इस पद्यांश का प्रसंग इस प्रकार से है, इसमें कवि ने गांव में गरीबी को लक्ष्य कर अपने विचार व्यक्त किए हैं, एक शोषण विहीन समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है, एक सुंदर समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की है। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जय। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। दरिद्रता, दरिद्रता से आशय है गरीबी, दरिद्रता मिटनी चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, दरिद्रता गरीबी। जननी, जननी से आशय जन्म देने वाली माता, जननी से आशय जन्म देने वाली यानी माता। ताप, ताप से आशय है सभी के कष्ट, पाप ताप भय। सुंदर हो अधिवास, अधिवास से रहने का निवास स्थान, रहने का घर अधिवास। वसन, वसन से आशय है वस्त्र, कपड़ा वस्त्र। तन, तन से आशय शरीर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि दरिद्रता ही पापों को जन्म देती है, गरीबी ही पापों को जन्म देती है। मिटे जनों के पाप ताप भय, कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये मंगल कामना करता है कि सभी लोगों के पाप ताप और भय समाप्त हो जाने चाहिए। सभी लोगों को ये मंगल कामना करता है कि सुंदर हो अधिवास, सभी लोगों का अधिवास यानी निवास स्थान, रहने का घर बहुत सुंदर होना चाहिए। वसन, सभी को सुंदर वस्त्र पहनने के लिए मिलने चाहिए, सभी स्वस्थ और अच्छे शरीर के साथ में कार्य करने वाले लोग होने चाहिए। पशु पर फिर मानव की जय हो, कवि चाहता है कि पशुता पर मानवता की विजय होनी ही चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि दरिद्रता व गरीबी ही सब पापों को जन्म देती है, दरिद्रता पापों की जननी, दरिद्रता ही सभी पापों की जननी है, सभी पापों को जन्म देती है। मिटे जनों के पाप ताप भय, लोगों के जीवन से पाप दुख व भय आदि मिटने ही चाहिए। कवि ये चाहता है कि लोगों के जीवन से पाप दुख और भय मिटना ही चाहिए। कवि चाहता है कि लोगों को सुंदर निवास स्थान मिले, सुंदर हो अधिवास, लोगों को सुंदर निवास स्थान मिले, उनके घर बहुत सुंदर हो, वसन और उनके वस्त्र भी सुंदर हो, और तन, वो स्वस्थ तन की प्राप्ति हो, तभी वो एक अच्छे समाज का, अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। और इस प्रकार जब लोगों को सुंदर निवास मिलेगा, सुंदर वस्त्र मिलेंगे, स्वस्थ तन मिलेगा, तभी समाज से पाप और दुख दूर हो पाएंगे, समाज से पाप दूर होगा, दुख दूर होगा, और तभी पशुता की बर्बरता समाप्त हो जाएगी, पशुता की बर्बरता समाप्त होगी और मानवता की विजय होगी। इस प्रकार सुंदर एवं सुखी समाज का निर्माण होगा। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। दरिद्रता, दरिद्रता से आशय है गरीबी, जननी, जननी से आशय है माता, ताप, ताप से आशय है कष्ट, अधिवास घर, निवास स्थान, वसन वस्त्र, परिपाटी परंपरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, परिपाटी परंपरा, दुख क्लेश, दुख और क्लेश, श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है इस पूरी की पूरी व्यवस्था के बदहाल होने का। ये जो पूरी सामाजिक व्यवस्था बदहाल है, जिसमें शोषण के शिकार है, इस प्रकार शोषण से भरी हुई इस बदहाल व्यवस्था का व्यक्ति नहीं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, ये तो जग की परिपाटी है, पूरे के पूरे संसार के लोग मिलकर के ही, या संसार की परिपाटी ही ऐसी है कि उसके माध्यम से, उसके द्वारा इस प्रकार कि ये व्यवस्था चल गई है, चली आ रही है, दोषी जन के दुख क्लेश की, कि अधिकांश लोग अब दुख से भरे हुए हैं, क्लेश से भरे हुए हैं, पीड़ा से भरे हुए हैं, शोषण के शिकार हुए हैं। जन का श्रम जन में बट जाए, कवि चाहता है कि जन का श्रम जन में बट जाए, जो श्रमवान लोग हैं, जो बलिष्ठ शरीर वाले लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, जो सुंदर निर्माण करने वाले लोग हैं, उनका श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की, और तभी
प्रत्येक देश की प्रजा, प्रत्येक देश के निवासी सुखी हो पाएंगे और एक बेहतरीन सुंदर समाज का निर्माण हो पाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि इस स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, वरन संसार की पूरी परिपाटी ही अर्थात परंपरा ही इसके लिए जिम्मेदार है। लोग दुखी हैं, वह मन में पीड़ा रखते हैं। यदि लोगों में उनकी मेहनत का फल आपस में बट जाए तो सारे देश की जनता सुखी हो जाएगी। जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। कवि कहते हैं कि यदि लोगों में उनकी मेहनत का फल आपस में ही बट जाए तो सारे देश की जनता सुखी हो जाएगी। आइए अब इस पद्यांश का विशेष देख लेते हैं। कवि ने अपनी प्रगतिवादी विचारधारा व्यक्त करते हुए ग्रामीणों के सुखमय जीवन को लेकर अपनी चिंता प्रकट की है। अनुप्रास और काव्य लिंग अलंकार का सौंदर्य निहित है, भाषा सरल है और तत्सम प्रधान है। आइए अगले पद्यांश का वाचन करें। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा गुग्घू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे गार्ड अलस निद्रा का अजगर। आइए इस पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना ग्राम्या से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग एक में संध्या के बाद शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। यहाँ कवि ग्रामीण जीवन में व्याप्त निर्धनता पर अपनी चिंता प्रकट कर रहा है। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। डंडी मारना मुहावरा होता है, यानी कम तोलना, बेईमानी करते हुए कम तोलना, डंडी मारना कहलाता है। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, वह दुकानदार जो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी छोटी सी दुकान में दुकानदारी करता है, उसका यह स्वप्न है कि सारा संसार, सारा समाज, संसार के समाज के सब लोग सुख से रहे, सुखी हो जाएं। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, इस प्रकार से सारे समाज के सुख से रहने का स्वप्न उस व्यापारी का टूट गया। जब आई बुढ़िया व्यापारी, जैसे ही कोई बुढ़िया, एक बुढ़िया उसके दुकान में सामान लेने के लिए आई, और वह आधा पाव आटा लेने के लिए आई थी। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह भी व्यक्त करना चाहता है कि बहुत अधिक गरीबी की स्थिति है, लोगों की क्रय शक्ति इतनी ही है कि वे आधा पाव आटा तक खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इस प्रकार से जब वो आधा पाव आटा लेने के लिए आई, लो लाला ने फिर डंडी मारी, तो लाला यानी उस व्यापारी ने, उस दुकानदार ने फिर से डंडी मारते हुए उसको कम तोला, बेईमानी करते हुए उसे कम तोल करके सामान दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि गांव का छोटा दुकानदार अकेला बैठा हुआ संसार के सभी लोगों को सुख प्राप्त होने का सपना देखता रहता है, परंतु वह अपने सपने को व्यवहार में नहीं उतार पाता। उसकी कथनी और करनी में बहुत भारी अंतर होता है। तभी जब गांव की एक बूढ़ी स्त्री उससे आध पाव अर्थात थोड़ा सा आटा खरीदने आती है, तो वही दुकानदार कम तोल कर आटा देता है। अर्थात इस असमान अर्थव्यवस्था के लिए वह दुकानदार स्वयं भी दोषी है। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा गुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे गार्ड अलस निद्रा का अजगर। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। गुग्गू, गुग्गू से आशय है उल्लू, पट, पट से आशय है दरवाजे, किवाड़, किवाड़ दरवाजे के किवाड़ पट, द्वार, द्वार से आशय है दरवाजा, अजगर, अजगर से आशय है बहुत बड़ा विशालकाय सांप, अलस, अलस से आशय है आलस्य, चीख उठा गुग्गू डालों में। और इस घटना को देखकर जब लाला ने डंडी मारी, आधा पाव आटा लेने के लिए जो बुढ़िया आई थी उसको पूरा नहीं तोला, इस प्रकार से उधर दूसरी ओर चीख उठा गुग्गू डालों में, उल्लू बोल पड़ा, रात के घनघोर अंधियारे में उल्लू बोल पड़ा, लोगों ने पट दिए द्वार पर, और लोगों ने भयभीत होकर डर से अपने अपने घरों के किवाड़ बंद कर लिए, निगल रहा बस्ती को धीरे। और अब संध्या के पश्चात रात्रि का गहन अंधकार पूरी बस्ती के ऊपर छा
छाता जा रहा है, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर और गाढ़े आलस्य से भरा हुआ निद्रा का अजगर सबको निगल रहा है। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है, उसी समय अपशकुन का प्रतीक उल्लू कर्कश स्वर में चीखता है, चीख उठा घुग्घू डालो में, तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अर्थात अनैतिक कृत्य के विरोध में व्यक्त एक घुड़की उन्हें चुप करा देती है। संध्या के बाद गहराते अंधियारे में धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है। निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़ अलस निद्रा का अजगर, ऐसे लगता है कि नींद का अजगर अब उन्हें निगल रहा है। आइए इसका विशेष देख लेते हैं। गांव के वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है, कवि का प्रगतिवादी विचार इसमें व्यक्त हुआ है। डंडी मारना मुहावरे का सटीक प्रयोग है, बेईमानी करते हुए कम तोलना, डंडी मारना मुहावरे का बहुत ही सटीक प्रयोग हुआ है। पशु पर में अनुप्रास अलंकार है, पै में पैवर्ण की आवृत्ति है, पर में पैवर्ण की आवृत्ति है, इस प्रकार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। इसकी भाषा सरल है, सुबोध है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रचना संध्या के बाद का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ लिया है। इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हुए हमने आत्मसात कर लिया है। अगले वीडियो में हम कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है संध्या के बाद से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।